चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे, प्रभु श्री राम की कृपा सदा उस पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों की मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प। योगी सरकार ने जारी की 24.67 करोड़ की धनराशि। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में महाराजगंज, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बस्ती, कन्नौज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और बाराबंकी के विभिन्न क्षेत्रों में 229 विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों में विभिन्न प्रकार के मार्गों, नालियों, दीवारों के निर्माण व मरम्मत समेत अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा। इन कार्य योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार ने 24.67 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। संसद की सुरक्षा में चूक, बेटे ने क्या कर डाला। उत्तर प्रदेश के सागर की करतूत पर माता पिता हैरान, जानिए क्या बोली मां। जी हां, आपको बता दें कि संसद में लोकसभा कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से अंदर कूदने वालों में शामिल सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग स्थित रामनगर का रहने वाला है। वह मां रीना शर्मा से दिल्ली में कुछ काम होने की बात कहकर 3 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को यहां से गया था। वह लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है। सागर के इस करतूत का पता चलते ही लखनऊ पुलिस सक्रिय हो गई। पूर्वी और पश्चिमी जोन की पुलिस टीम शाम 5 बजे तक उसके घर पर पहुंच गई। रात भर उससे पूछताछ चली है। सागर के माता पिता ने कहा उन्हें इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं, अभी मीडिया और पुलिस से ही उसे इन बारे में पता चला। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की 73 ग्राम पंचायतों में होगा एक काम, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि यूपी की बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों में भव्य बारात घर बनवाए जाएंगे। इन बारात घरों को वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी भव्यता प्रदान की जाएगी। करीब 1 एकड़ में बनने वाले ऐसे बारात घर पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ऐसे भव्य बारात घरों के संचालन से इन ग्राम पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी। यह बारात घर वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 13 जिलों के 73 ग्राम पंचायतों को मिली 699 करोड़ रुपए के परफॉर्मेंस ग्रांट में से बचे करीब 100 करोड़ रुपए की राशि से बनेंगे। पंचायती राज निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अखिलेश यादव बोले, बिगड़ती जा रही है यूपी की कानून व्यवस्था, उद्योगपति यहां नहीं करना चाहते हैं निवेश। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार के पास न तो प्रदेश के प्रगति का कोई दृष्टिकोण है और न ही इच्छा शक्ति है। 7 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार ने अब तक जनहित में एक भी काम नहीं किया है। सिर्फ समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताकर वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निवेशक सम्मेलन की नींव सपा सरकार में ही रखी गई थी, तब निवेश के तमाम MOU को जमीन पर भी उतारा गया था। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने गठित की कई कमेटियां, 11 जिलों के लिए बनाए गए प्रभारी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 20 दिसंबर से शुरू होने वाली यूपी जोड़ो यात्रा के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। इसके अलावा यात्रा से संबंधित 11 जिलों के लिए प्रभारी भी बनाए गए हैं। प्रदेश महासचिव संगठन आनंद यादव की तरफ से जारी पत्र के अनुसार प्रदीप जैन आदित्य को सहारनपुर, अहमद हमीद कौकब को मुजफ्फरनगर, इमरान मसूद को बिजनौर, प्रेम प्रकाश अग्रवाल को अमरोहा, संजय कपूर को मुरादाबाद, हाजी इकराम कुरैशी को रामपुर, इसी तरह प्रत्येक जिलों के लिए प्रभार नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में DRI टीम को मिली बड़ी सफलता, 4 करोड़ के सोने के साथ 3 तस्करों को दबोचा। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ और गोरखपुर कस्टम की DRI टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 3 करियरों को दबोच कर उनके पास से 4 करोड़ कीमत का सोना और नगदी बरामद किया है। नेपाल से मंगाए गए सोने को गोरखपुर का कारोबारी लखनऊ में डिलीवरी करने वाला था। दरअसल DRI की टीम को सूचना मिली कि गोरखपुर का एक सराफा कारोबारी तस्करी के सोना की डिलीवरी लखनऊ में करने वाला है, जिसके बाद टीम ने 3 करियरों को गोरखपुर से बस्ती के बीच सोना और नगदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी में 3 महीने में 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी अपनी बिजली, फरवरी में शुरू होगा ये प्लांट।
जी हाँ, आपको बता दें कि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की पहली यूनिट से इस महीने के अंत तक बिजली का कॉमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। 660 मेगावाट क्षमता के दूसरी यूनिट से भी फरवरी 2024 से बिजली का उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। जवाहरपुर पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली 100% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी। इस प्लांट के उत्पादन से जुड़ने से प्रदेश बिजली की उपलब्धता में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। जवाहरपुर पावर प्लांट पर्यावरण मानक के अनुरूप तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 12,320 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी करेंगे 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता, जानिए पूरा शेड्यूल। जी हां, आपको बता दें कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के संबंध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संयुक्त तत्वाधान एवं ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी रेड्डी और विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी होंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे यूनियन ने की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा, इस दिन बनाई जाएगी रणनीति। जी हां, आपको बताने कि रेलवे यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा तो कर दी है, लेकिन तारीखों पर अभी असमंजस है। अगर हड़ताल होती है तो हो सकता है सभी रेल बंद हो जाएं और सभी को यात्रा करने में काफी परेशानी आए। हड़ताल की घोषणा तो हो गई है, अब किस दिन होगी, इसी पर सामंजस्य बिठाने के लिए 15 दिसंबर को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे मेंस यूनियन समेत देश के सभी 70 रेलवे जोन के पदाधिकारी, राज्य कर्मचारी संगठन, केंद्रीय कार्यालयों के संगठन नेता शामिल होंगे। बैठक में अगले कदम और हड़ताल की तिथियों पर प्रस्ताव होगा। यूपी के होटलों की रेटिंग सरकार करेगी, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 5 कैटेगरी मालिकों को छूट भी। जी हां, आपको बताने की यूपी में होटल मालिकों के लिए अच्छी खबर है, साथ ही जनता को भी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के होटलों की रेटिंग अब उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग तय करेगा। इससे होटलों को प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग पाने वाले होटलों को संपत्ति कर, जल कर और सीवर टैक्स में 50% छूट भी मिलेगी। इससे जनता जान पाएगी कि कौन सा होटल में उन्हें जाना चाहिए, कौन सा होटल सही पड़ेगा। अभी बता दें कि बुधवार को पोर्टल का शुभारंभ करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि इस नई सुविधा का लाभ पाने के लिए पहले होटल मालिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चलाता है लखनऊ में किराए पर रहता है परिवार, संसद में कूदने वाले सागर की कुंडली खंगालने घर पहुंची पुलिस। जी हां, आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान अचानक से 2 युवक सांसदों के बेंच तक पहुंच गए। इसके बाद दोनों युवक नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान दोनों युवकों ने जूते के अंदर से कलर गैस निकालकर संसद में छिड़काव कर दिया। इससे पूरी संसद धुआं धुआं हो गई। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान घटे इस घटनाक्रम के बाद सांसदों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि दोनों युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों युवकों को जब तलाशी ली गई तो उनमें से एक लखनऊ का रहने वाला निकला। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के बाद शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले एमपी मोहन यादव संभाले, यूपी हम लोग देख लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मोहन यादव को बधाई दी। कहा कि एमपी वह संभाले, यूपी हम लोग देख लेंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में INDIA के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या वह जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर समिति अगर निमंत्रण भेजेगी तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखे, 10% इंटरव्यू के, आयोग की अधिसूचना जारी। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन, अधिकारियों की योग्यता और शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा और इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर इंटरव्यू के होंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। यूपी में बस कंडक्टर का गिरेबा पकड़ा, 3 बार जड़े थप्पड़, आगरा में महिला दरोगा की बस में दिखी दबंगई लाइन हाजिर,
जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दरोगा नीतू सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। उनका ई बस के परिचालक से विवाद हुआ था। वह गाली देती हैं, इसके बाद परिचालक की पिटाई करती हैं। बस में सवार लोग वीडियो बना रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर DCP सिटी सूरज राय ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना से बसों के परिचालकों में आक्रोश है। घटना के पीछे बस में टिकट का विवाद बताया जा रहा है। DCP सिटी ने बताया कि दरोगा नीतीश सिंह ट्रांस यमुना थाना में तैनात है। हाल ही में उनका ट्रांसफर थाना छत्ता किया गया है। अभी वह रिलीव नहीं हुई है। इससे पहले वह थाना जगदीशपुरा में तैनात रही थी। यूपी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे PM। जोनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल पर परखे इंतजाम, सुरक्षा के मानक जांचे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और पुलिस प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। छावनी स्थित टेक्निकल ग्राउंड में पांडाल लगाने, बैरिकेडिंग और पार्किंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए ट्रकों से टेंट के सामान भी पहुंचे। PM मोदी 43वें दौरे पर 17 और 18 दिसंबर को काशी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट से उतरकर PM सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी देखेंगे। इसके बाद लाभार्थी वर्ग से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार निर्माणाधीन 6 लेन पुल की बीम टूटकर गिरी, छात्रों ने काटा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार गंगा पर निर्माणाधीन 6 लेन पुल के काम के दौरान बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल बेली मार्ग पर पुल की शुरुआत में RCC बीम तैयार कर उसे शिफ्ट करने का काम चल रहा है। बुधवार शाम डबल साइड की बीम को रोल जैक के जरिए शिफ्ट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइड की रोल जैक ने बीम को उठा दिया, जबकि दूसरी साइड का जैक फेल हो गया और भारी भरकम बीम नाले के पास टूटकर गिर गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1 लाख राम भक्तों के लिए रोज चलेंगे 3 दर्जन भोजनालय। असम से पहुंची चाय पत्ती और अदरक। दरअसल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर भोजनालय संचालित किया जाएगा। इन भोजनालयों की संख्या अभी और बढ़ानी है। यहां असम के गुवाहाटी से खाद्य सामग्रियों की पहली खेप अयोध्या भेजी गई है। यहां पहुंचे खाद्य सामग्रियों को राम सेवकपुरम स्थित केंद्रीय खाद्य भंडारण गृह में व्यवस्थित रूप से रखवाया जा रहा है। भंडारण गृह के प्रमुख ने बताया कि असम से लाई गई सामग्रियों में 25 कुंटल चाय पत्ती, 20 कुंटल अदरक, 20 कुंटल दालचीनी, 5 कुंटल काली मिर्च और 6 कुंटल तेजपत्ता शामिल है। यूपी में मेनका गांधी ने 67 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राम पथ गमन पर हरियाली बनाए रखने का दिया इंजीनियरों को अल्टीमेटम। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर गोलाघाट से टेढ़ोई मार्ग 4 लेन होगा। सांसद मेनका गांधी ने 67 करोड़ की इस परियोजना का बटन दबाकर जनता को सौगात दी। वहीं राम पथ गमन पर हरियाली बनाए रखने का सांसद मेनका गांधी ने इंजीनियरों को अल्टीमेटम दिया है। मीडिया से बात करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि हमारा सुल्तानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सुंदर शहर बन जाए, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हर कोशिश की जा रही है। आज शासन और सारे विधायकों द्वारा मिलकर यह चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। यूपी में एक मुश्त समाधान योजना से बिजली विभाग ने कमाए 2600 करोड़, बिजली चोरों से की 180 करोड़ की वसूली। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना OTS के जरिए अब तक करीब 2600 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। करीब 180 करोड़ से ज्यादा का राजस्व बिजली चोरी करने वालों से मिला है। OTS का दूसरा चरण 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है, इसके बाद 16 से 31 दिसंबर तक अंतिम चरण चलेगा। प्रदेश में ऊर्जा विभाग की ओर से 8 नवंबर को एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। अब तक बिजली चोरी के मामलों में पश्चिमांचल में 17,312 लोगों ने पंजीयन कराया है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली एक्सप्रेसवे से लिंक होगा गंगा एक्सप्रेसवे, इन शहरों को मिलेगी रफ्तार। जी हां, आपको बताने की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। इससे वेस्ट यूपी से प्रयागराज तक का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजधानी लखनऊ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति में है। इससे पश्चिम को मध्य तक जनता को आने जाने में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यूपी बोर्ड के परीक्षा फॉर्म में गड़बड़ी का सिलसिला जारी, यूपी के इस जिले में सबसे ज्यादा मिली गलतियां। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, मगर अभी तक फॉर्म में त्रुटियां मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय ने चौथी बार स्कूलों का संशोधन करने का मौका दिया था। इसमें हजारों विद्यार्थियों के फॉर्म में कई गड़बड़ियां मिली। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के विषय और लिंग कोड ही बदल गए। जौनपुर में सबसे ज्यादा तो सबसे कम अयोध्या में गड़बड़ी मिली है। इसमें ज्यादातर 12वीं के फॉर्म है।
देश में संसद की सुरक्षा में कैसे हुई इतनी बड़ी चूक, एक्शन में सरकार जांच कमेटी का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार रात बड़ा एक्शन ले लिया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की जांच सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में कराने का आदेश दिया। यह जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। अधिकारी ने बताया कि जांच कमेटी में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। कमेटी सुरक्षा में सेहत के कारणों की जांच भी करेगी, जल्द से जल्द सिफारिशों के साथ रिपोर्ट बनाएगी। यूपी के संभल में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया कानून को। एंटी करप्शन टीम ने 6000 रुपयों के साथ किया गिरफ्तार, जमीन की ठियाबंदी के नाम पर ली थी रकम। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के संभल में 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। टीम कानूनगो को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले आई, जहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता से ठियाबंदी की रिपोर्ट लगाने के नाम पर कानूनगो ने रिश्वतखोरी की डिमांड की थी। रिश्वतखोरी की रकम के साथ रंगे हाथों कानूनगो को एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र की तहसील परसर संभल का है। आपको भी इस पर आवाज उठानी चाहिए अगर आपके साथ गलत हो तो। उत्तर प्रदेश में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पड़ा पांव, कार सीख रहे ग्राम प्रधान ने 8 छात्रों को रौंदा, 2 की हालत खराब। जी हां, आपको बताने की यूपी के गोरखपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक स्कूल में कार सीख रहे ग्राम प्रधान ने 8 बच्चों को रौंद दिया। इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। आनन फानन में घायल बच्चों को सीएचई भेजा गया, यहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं 2 बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान को हिरासत में ले लिया है। योगी की राह पर एमपी सरकार, अब एमपी में खुले में मांस की बिक्री पर बैन की तैयारी, सीएम मोहन यादव के कैबिनेट लायकी प्रस्ताव। जी हां, उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद 4 संभालते ही धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकरों को निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधित आदेश जारी कर दिए। अब उनकी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने खुले में मांस की बिक्री पर अंकुश के लिए नियम लाए जाने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पर कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली, 15 लाख का जेवर, 4 लाख का कैश बरामद, सैफई डिपो के तिजोरी चोरी कर ले गए थे। जी हां, आपको बताने की इटावा में दीपावली के रात सैफई रोडवेज बस डिपो से 60 किलो वजनी तिजोरी समेत 9,35,000 कैश चुराने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। भरथना क्षेत्र में पागल बाबा मंदिर के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। इनका अपराध में इतिहास काफी अच्छा खासा है। इनके खिलाफ मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विभिन्न धाराओं में मामले पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे केरल के राज्यपाल ने किया खुलासा, कश्मीर के लोग भी चाहते थे अनुच्छेद 370 हटे। जी हां, आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। कश्मीर के लोग भी यही चाहते थे, वह पहले हिंदुस्तान में शामिल होने का लगातार नारा लगा रहे थे। केरल में सत्ताधारी दल के नेता केवल राज्यपाल ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के दफ्तरों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पीओके को भी जल्द से जल्द भारत में शामिल कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले बढ़े, अब कमिश्नर की फेसबुक आईडी की हैक, प्रॉपर्टी डीलर से मांगे 2 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे। अब उन्होंने मुरादाबाद के कमिश्नर के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर रामपुर के प्रॉपर्टी डीलर से 2 लाख रुपए की मांग की। कमिश्नर के दफ्तर से तहकीकात की तो फर्जी आईडी निकली। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के खारी कुआं निवासी हुसैन प्रॉपर्टी डीलर हैं। रिजवान के मोबाइल पर 5 दिसंबर को कमिश्नर आंजने कुमार के नाम से फेसबुक मैसेज आया था। देश भर के मंदिरों के लिए नजीर बनेगा यूपी का श्री काशी विश्वनाथ धाम, यात्री सुविधाओं के साथ डिजिटल होगी व्यवस्था। जी हां, आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम देश भर के मंदिरों के लिए नजीर बनेगा। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल करने की प्रक्रिया की तैयारी है। आरती के टिकट, दर्शन और दान की प्रक्रिया फिलहाल ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। नए साल में यात्री सुविधाओं को पूरी तरह से डिजिटल करने की कार्य योजना मंदिर प्रशासन ने तैयार कर ली है। धाम में आने वाले श्रद्धालु मोबाइल के जरिए टिकट बुकिंग के साथ ही लाइव दर्शन भी कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में नगर निगम के अतिक्रमण अभियान का व्यापारियों ने किया विरोध, कहा नगर निगम की टीम कर रही परेशान, 1,000 रुपए काट रही चालान। जी हां, आपको बता दें कि मेरठ के वैली बाजार में नगर निगम की टीम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। नगर निगम की टीम ने व्यापारियों के चालान काटे तो व्यापारी बाजार बंद कर सड़क पर उतरे और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, अगले 48 घंटों में और गिरेगा तापमान, कई शहरों में कोहरे की संभावना। जी हां, यूपी के कई शहरों में पारा गिरने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान दृश्यता 50 से 199 मीटर हो सकती है, यानी 50 मीटर के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, काफी ज्यादा धुंध हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पछुआ हवाओं के हिमालय से टकराने की वजह से गलन बढ़ी है, आने वाले समय में और ठंड बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। यूपी के रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जोर दबा लें।